कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। सुनिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी कविता अंधेरे का मुसाफिर। सुनिए यह कविता मेरी यानी आरती की आवाज में। यह सिमटती सांझ, यह वीरान जंगल का सिरा, यह बिखरती रात, ये चारों तरफ सहमी धरा। उस पहाड़ी पर पहुंचकर रोशनी पथरा गई, आखिरी आवाज पंखों की किसी के आ गई। रुक गई अब तो अचानक लहर की अंगड़ाइयां, ताल के खामोश जल पर सो गई परछाइयां। दूर पेड़ों की कतारें एक ही में मिल गईं, एक धब्बा रह गया जैसे जमीनें हिल गईं। आसमां तक टूट कर जैसे धरा पर गिर गया, बस धुएं के बादलों से सामने पथ घिर गया। यह अंधेरे की पिटारी रास्ता, यह सांप सा खोलने वाला अनाड़ी मन रहा है कांप सा। लड़खड़ाने लग गया मैं, डगमगाने लग गया, देहरी का दीप तेरा याद आने लग गया। थाम ले कोई किरण की बांह मुझको थाम ले, नाम ले कोई कहीं से रोशनी का नाम ले। कोई कह दे दूर देखो टिमटिमाया दीप एक, वो अंधेरे के मुसाफिर उसके आगे घुटने टेक। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।